हेलो एवरीवन, मैं पार्वती पवार फ्रॉम काजल मेकअप स्टूडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से हम कलर रूट टचअप कर सकते हैं, किस तरह से हम कलर एप्लीकेशन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको बताऊंगी ये सब। तो मैंने सबसे पहले अपने क्लाइंट के हेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसको पतले पतले थिन सेक्शन लेके मैं कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ। सबसे पहले हमें नेक एरिया के हेयर को कवर करना है, उसके बाद हमें फ्रंट के हेयर पे कलर एप्लीकेशन करना है ताकि हमारा जो कलर एप्लीकेशन अच्छे से हो जाए और सेक्शन वाइज सेक्शन हो, कहीं पे भी कोई भी बाल छूटे ना। तो गाइस, हमें कलर लगाते समय थोड़ा थोड़ा कलर लेना है, भर भर कर कलर नहीं लेना है। हमें ज़्यादा कलर लगाते हैं तो हमारे स्केल पे कलर जम जाता है और वो वॉशिंग के बाद भी नहीं निकलता। गाइस, मेरा कलर मिक्सिंग वाला जो वीडियो था वो डिलीट हो गया, मैं दोबारा से नहीं बना पाई उसको, तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी। मैं आपको बता देती हूँ मैंने किस तरह से कलर मिक्सिंग किया था और कौन सा कलर मैं यूज कर रही हूँ। मेरे क्लाइंट के जो हेयर हैं वो डार्क ब्राउन है, तो इसलिए मैंने लिया है लोरियल का इनोवा कलर अमोनिया फ्री और डेवलपर 20 वॉल्यूम। मैंने दोनों डेवलपर और कलर को दोनों को बराबर बराबर लेके मिक्सिंग किया है। कम ज़्यादा नहीं लेना, हमें जितना कलर लेना है उतना ही डेवलपर लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्सिंग करके ही हमें कलर एप्लीकेशन करना है। तो गाइस, हम जब कलर लगाते हैं तो जो हमारे बालों का कलर है उसी के अकॉर्डिंग हमें कलर चूज करना है। हमें बालों को कलर के बालों के जो कलर होता है उसको चेंज नहीं करना है। अगर क्लाइंट के बाल डार्क हैं तो हमें डार्क कलर लेना है, डार्क ब्राउन है तो डार्क ब्राउन लेना है, मीडियम ब्राउन है तो मीडियम ब्राउन लेना है, ब्लैक है तो ब्लैक कलर लेना है। हमारे जो लेंथ का कलर होता है वही कलर हमें स्केल्प पे यूज करना है, नहीं तो हमारा कलर जो है वो अनइवन दिखेगा। लेंथ अलग दिखेगी और स्केल्प वाला जो कलर है वो अलग दिखेगा। तो हमारा जो लेंथ का कलर है और रूट्स का कलर है वो इवन ही दिखना चाहिए, अनइवन नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से जब हम कलर चूज करते हैं तो हमारे हेयर एकदम नेचुरल दिखते हैं, अलग नहीं दिखते, कलर किए हुए नहीं दिखते। तो गाइस, मेरा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। मैंने कलर लगाने में पूरे 10 मिनट लिए थे और हमें 15 मिनट तक कलर कंप्लीट कर देना चाहिए। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए कलर लगाने में। मेरा सेकेंड सेक्शन कंप्लीट हो गया है, अब मैं थर्ड सेक्शन पे कलर एप्लीकेशन करूँगी। उसके बाद गाइस, हमें 35 मिनट तक रखना है इस कलर को, उसके बाद हेयर वॉश करने हैं। देखिए मैं कितने अच्छे से कलर लगा रही हूँ, आपको भी इसी तरह से कलर लगाना है। हमारे ईयर्स और कलर स्किन पर नहीं लगना चाहिए कहीं पे भी, बहुत ही क्लीन तरीके से हमें कलर लगाना है, बहुत ही